हेलो गाइस, मैं सुमन सिंह। मेरे चैनल होममेकर सुमन में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रसगुल्ले की वीडियो लेके आई हूँ। क्या जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे रसगुल्ले बहुत ही यम्मी बने हैं, काफी स्पॉन्जी बने हैं और इसकी जो चाशनी बनी है बहुत ही परफेक्ट बनी है। गाइस, पूरे वीडियो में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे कि आप पहली बार भी अगर रसगुल्ले बना रहे हैं तो आपके रसगुल्ले बहुत ही यम्मी और बहुत ही परफेक्ट बने। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, रसगुल्ले गाय के दूध में ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि उसमें फैट बहुत कम होता है। तो अगर आप नॉर्मल दूध ले रहे हैं तो आप उसकी मलाई को अलग कर दें, और आप टोंड मिल्क भी ले सकते हैं जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको बॉयल करके छेना बनाना। तो गाइस, यहाँ पर जैसे ही दूध बॉयल होना स्टार्ट हो जाए गैस को स्विच ऑफ कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें विनेगर को ऐड करेंगे। तो विनेगर या सिरका को हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है और उसको 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में मिक्स करेंगे। गैस के बर्नर को स्विच ऑफ इसलिए कर देना है जिससे कि जब भी छेना बनाते हैं तो उबलते हुए दूध में सिरका या नींबू को नहीं डाला जाता है, नहीं तो वो छेना हार्ड हो जाता है। विनेगर की जगह पे आप चाहें तो लेमन जूस को भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी सेम क्वांटिटी में आप ले लें और उसमें थोड़ा पानी मिला करके धीरे धीरे इसमें ऐड करें। तो गाइज़, आप देख रहे हैं कि 1 से 2 मिनट के अंदर छेना बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको लगे कि छेना ठीक से नहीं बन पा रहा है, दूध अच्छे से फटा नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा सा सिरका और ऐड कर दीजिए, लेकिन उसको बॉयल मत करना। बॉयल करने से क्या होगा कि वो, जैसा मैंने आपको बताया, कि छेना अपना सॉफ्ट नहीं रहेगा और जो हम रसगुल्ले बनाएंगे उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो ठीक से बनेंगे नहीं। अब हमें छेने को गर्म में ही अच्छे से छान लेना है। तो गैस, यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा देर इसको पानी में रहने दिया तो ये फिर हार्ड हो जाएगा। छानने के लिए एक छलनी के ऊपर यहाँ पर एक, जैसे मैंने कपड़ा लिया हुआ है, हैंकी लिया हुआ है कॉटन का, आप उसको ले सकते हैं। तो अब इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। तो वॉश करने से पहले जो हमने इसका पानी है उसको अलग कर दे रहे हैं। छेने को हम अच्छे से 3 से 4 बार वॉश करेंगे क्योंकि जल्दी इसकी विनेगर की स्मेल नहीं जाती है। तो आप इसे अच्छे से धुल लें। हम इसमें जो पानी एक्स्ट्रा रह गया है उसको भी अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। अब इसे हमें कम से कम 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए एक साइड रख देना है, जिससे कि इसमें से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर और रह गया है वो भी अलग हो जाए। अब इस छेने को हमें बहुत अच्छे से मैश करना है। तो इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन आप ले लें, परांठ ले लें या थाली ले लें। तो इसमें हम बहुत अच्छे से हाथों से इसको मैश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए, नहीं तो छेने के रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते हैं। तो परफेक्ट छेना हमारा बन के रेडी हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है। इसे जिस तरह से हमने छेने को बनाया है तो यह बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है। तो काफ़ी जल्दी हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने हथेली से इसको अच्छे से धीरे धीरे मैश करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक तरफ से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा लेके खूब अच्छे से इसको हम मैश कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं है, जो पनीर में छेने में दाने होते हैं, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इतनी देर हमें इसे अच्छे से मैश करना है जब तक इसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। अब गाइज, इसमें हमें थोड़ी सी मैदा ऐड करनी है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने मैदा ली हुई है, तो उसको भी बहुत अच्छे से हम मिक्स करके फिर से दोबारा थोड़ा सा इसको और मैश कर लेंगे। गाइज, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना है। ज़्यादा अगर आपने छेने को मैश कर दिया तो उसका फैट उसमें से रिलीज होने लगता है, जो आपको फील होगा कि आपकी हथेली में चिकना चिकना सा लगने लगेगा। तो इतना ज़्यादा भी नहीं मैश करना है। अब इसे हम बराबर बराबर इसके पोर्शन को लेंगे और इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। तो अगर आपने छेने को अच्छे से मैश किया है तो जो हम गोले बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 16 छोटे छोटे से इसकी बॉल्स बना ली हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 16 गोले इसके बनाए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़े बड़े बनाने हैं आपको, तो आप इसमें 10 या 12 बना सकते हैं।
अब इसके हमें छोटे छोटे गोले बनाने हैं। तो आप देख रहे हैं कि गाइस बहुत ही बढ़िया हमारे इसके छेने के गोले बने हैं और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, तो सारे हमने रेडी कर लिए हैं। अब छेने की बॉल्स हमारी रेडी हैं, अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो गाइस इनको आप चाहें तो कवर करके रख दीजिए साइड में, तो तब तक हम इसकी चाशनी को बना लेते हैं। तो चाशनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 ग्लास पानी लिया हुआ है, तो फ्रेश वाटर आपको यूज़ करना है। 1 लीटर पानी में हमें 1/2 किलो चीनी यूज़ करनी है। तो गाइस यहाँ पर चीनी आप किसी डिब्बे से मेजर कर लें या कटोरी से मेजर कर लें, तो 2 कटोरी लगभग मीडियम साइज़ की यहाँ पर चीनी मैंने ली हुई है। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है और बहुत जल्दी चाशनी बनके रेडी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें हम छेने की बॉल्स को ऐड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर 15 मिनट का टाइम इसको बनने में लगेगा, तो पूरी प्रोसेस में आपको गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है, लो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो रसगुल्ले हैं फूलना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से साइड में आ गए हैं। तो आपको इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसमें कोई भी स्पून नहीं लगानी है। तो बस इसको थोड़ा सा आप हिला दें जिससे कि इसमें ऊपर भी बबल्स इसके चाशनी के आ जाएं, जिससे कि ऊपर से भी ये अच्छे से पक जाए। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, तो करीब 1-2 बार आप 2-2 चम्मच इसमें पानी ऐड कर दें। चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो जितनी हमें चाहिए वो कंसिस्टेंसी इसकी बनी रहती है। तो करीब 15 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया, तो आप देख रहे हैं हमारे बहुत बढ़िया रसगुल्ले बन के रेडी हो गए हैं। तो गाइस इसको अब हमें चाशनी में नहीं रखना है, तो अब एक छोटी सी प्रोसेस है उसको आपको ज़रूर करना है जिससे कि हमारे रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बने। रसगुल्लों को एक अलग बोल में मैंने निकाल दिया और उसमें फ्रेश पानी को ऐड कर दिया और थोड़ी सी चाशनी हम इसमें ऐड कर देंगे और एक साइड रख देंगे। इधर हम अपने दूसरे बोल में जो चाशनी हमने बनाई है उसको निकाल लेंगे और जब वो ठंडी हो जाए करीब 1/2 घंटे बाद हम इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, केवड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएँ तो हम इसमें रसगुल्ले को स्क्वीज़ करके अच्छे से अपनी चाशनी में ऐड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया परफेक्ट हमारे रसगुल्ले बने हैं और बहुत ही फूले हैं। जैसे ही मैं इसको प्रेस करती हूँ तो फिर ये फिर से अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर 6 घंटे के लिए इसको साइड रख दिया था, तो आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर ठंडा मौसम है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। तो अब हमारे रसगुल्ले खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही परफेक्ट हमारे बहुत बढ़िया रसगुल्ले बन के रेडी हुए हैं। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ कितने स्पॉन्जी हमारे रसगुल्ले बने हैं और अंदर से भी काफ़ी ये फूले हैं और इसमें जो छोटी छोटी जालियाँ सी बनी हैं जैसे कि आप मार्केट से रसगुल्ले लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही रसगुल्ले बने। अगर आप बॉल्स बड़ी बनाएंगे तो बड़े रसगुल्ले बनेंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का साइज़ का बनाना चाहते हैं। रसगुल्ले हमारे अच्छे इसलिए बने क्योंकि चाशनी हमारी बहुत अच्छी बनी थी, तो जैसी चाशनी हमें चाहिए क्योंकि इसके लिए ज़्यादा मीठी और ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए होती है, तो परफेक्ट चाशनी हमारी बनी है। गाइस इस फेस्टिवल पे आप रसगुल्लों को घर पे ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइस मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।